इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गुड इवनिंग पीयूष। आज हम टाइम से 2 मिनट पहले लाइव हो चुके हैं बच्चों, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लो। अंशिका ठाकुर बिल्कुल रेडी हो जाओ बच्चों, बॉल पेन कॉपी लेके। वाटर बॉटल भी साथ में रख लो, फिजिक्स की क्लास खत्म होगी तो मैथ से स्टार्ट हो जाएगी। सात्विक, दिव्यम, स्नेहा, मधु, सक्षम, गुड इवनिंग बच्चों। कल मैंने क्लास टैब पे ली थी आपकी, बट आज हम वो कैमरे की जो फोकसिंग की वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर पाए हैं, तो आज देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। मॉर्निंग में साउंड कम आ रही है बेटा, बेटा अपने पास वॉल्यूम इंक्रीज करो। क्या सबके साथ आ रही साउंड की प्रॉब्लम बेटा? चेक करना क्या साउंड की प्रॉब्लम सबके साथ है, तो मैं अपने यहाँ से चेक करता हूँ। उदय, अविशी बेटा, सभी बच्चों चेक करना बेटा, सबके पास साउंड कम आ रही है क्या? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। श्रेयांश, शुभम, एंजल, अंशिका, ठीक है आपके पास? ठीक है बेटा, जिसके पास कम आ रही है ना बेटा, आप ऐसा कर रहे हो वो ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो। किसी किसी मोबाइल में दिक्कत होती है, या अपने वॉल्यूम चेक कर लो या ईयरफोन लगा लो, फिर साउंड क्लियर आ जाएगी। बेटा हमने कल जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक थोड़ा अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, एंड में कनेक्टिविटी की दिक्कत आ गई, तो थोड़ी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ टॉपिक के एंड जैसे में। तो एक तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, 4 मार्क्स में आने वाला टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी जब हम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तब भी उस टॉपिक, वो टॉपिक बेस है, बेसिकली टफ क्वेश्चंस को करने का एक बेस है, वहां से कंसेप्ट बिल्डअप होता है, फिर हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जा पाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सुनो, पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो असाइनमेंट आपको मैंने सेंड की थी, उस असाइनमेंट में कुछ बच्चों ने डाउट्स बोले हैं, एक आधे आंसर में दिक्कत है, तो मैं उनको पहले डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, जो फर्स्ट असाइनमेंट थी हमारी, जिसका गुड इवनिंग बच्चों, अब आप लोग कमेंट्स बंद कर दें, जो टॉपिक से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, वहां पे आपने कमेंट करना है बच्चों। ठीक है, चलो सुनो कि असाइनमेंट 101 में, 101 में क्वेश्चन नंबर 9 था, अर्थिंग से रिलेटेड था, उसके आंसर की में प्रॉब्लम थी, पर मैं उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि वी आर हैविंग अ कंडक्टिंग बॉडी, बोलता है व्हेन बॉडी, अच्छा बॉडी थी, व्हेन बॉडी इज कनेक्ट अर्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ, अच्छा ठीक है, बोलता है कोई बॉडी थी, हमने उसको अर्थ कर दिया, और अर्थ करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा कि इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, तो इसमें आंसर दे रखा था कि पूछा था कि इनिशियली बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज था, तो इसमें आंसर जो था वो अनचार्ज लिखा हुआ था, जो कि गलत है, गलत है। अब सुनो सही क्या होगा बच्चों, मैं कंसेप्ट को डिस्कस कर लेता हूं। मैंने आपको एक बोला था, स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब हम किसी मेटालिक बॉडी की अर्थिंग करते हैं तो अर्थ हमारा एक वीक कंडक्टर है, जो भी चार्ज उसको बॉडी के ऊपर फ्री मिलता है उस चार्ज को वो खुद में ले जाता है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको छोड़ देते हैं बेटा, ये मान के चलता हूं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास बेटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और अर्थ आपने इसको कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन तो पहले एक दूसरे से परेशान है बेटा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसे उनको अर्थ कहीं आपने उनको एक मौका मिल गया, और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाएंगे और किस में समा जाएंगे, अर्थ में समा जाएंगे।
इसलिए मैं बोलूंगा कि नेगेटिव चार्ज यहां से गायब हुआ तो क्या गायब हुए, इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस कि अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसके इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं बेटा, तो उसके इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं। अच्छा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं बेटा, अगर मेरे पास इनिशियल इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो मान लो, फिर मैं इसको अर्थ कर दूं, तो पिछली बार की तरह बेटा ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दे वांट टू रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। अब जब वो दूर रहना चाहते हैं और अर्थ के थ्रू उनको रास्ता मिल गया तो ये यहां से गायब होंगे। पर जब गायब होंगे तब की स्टोरी सुनो, जब बेटा ये गायब होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये प्रोटॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को गायब होना है। तो इसका मतलब ये नहीं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज नीचे उतरता है, ना ना ऐसा नहीं होता, अर्थ से इलेक्ट्रॉन बुलाएगा ये, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनको खत्म कर देंगे, ऐसे खत्म कर देंगे, खुद ही मर जाएंगे वो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था गायब हो गया। कैसे गायब हुआ, क्योंकि अर्थ से सप्लाई हुई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अर्थिंग का कंसेप्ट मैंने बेटा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब कभी भी आपको अर्थिंग का क्वेश्चन आए तो मैंने समझता कि गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसी असाइनमेंट का 101 का है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ था कि वी आर हैविंग अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज जीरो है, पर ध्यान रहे कंडक्टिंग बोला है। ठीक है, जब उसने न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर बोल दिया फिर उसके बाद क्या बोलता, ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, यहां चार्ज रखा। जब मैंने आपको इंडक्शन का कंसेप्ट कराया था ना बेटा, उस दिन समझाया था कि अगर किसी मेटल के नजदीक, किसी मेटालिक बॉडी के नजदीक आपको चार्ज पार्टिकल रख दो तो वो चार्ज पार्टिकल यहां इंडक्शन करता है। और इंडक्शन में क्या चीज पढ़ी थी बेटा हमने, कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा उसके नजदीक जो मेटल की बॉडी होगी उधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे आके। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे, बिकॉज दिस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। पर जब इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो अपोजिट साइड में इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यह भी सिखाया था कि जितना यहां नेगेटिव चार्ज आएगा इंडक्शन से उतना यहां पॉजिटिव भी आएगा। बेटा अर्थिंग नहीं कर रखी ना, क्योंकि हमने यहाँ पे, तो जितना यहाँ नेगेटिव आएगा उतना यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पहले चार्ज जीरो था पर इंडक्शन हुई, एक तरफ नेगेटिव आया और दूसरी तरफ उतना पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से नेट चार्ज भी कितना है, जीरो है। तो वहां बेटा ऑप्शन डी दिया हुआ था, पूछा था नेट चार्ज कितना है, तीन ऑप्शन बोला हुआ था कि नेगेटिव है, नेगेटिव तो होना ही नहीं था, नेगेटिव होगा बेटा तो साथ में पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ बच्चों क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, अगर क्लियर हो गया तो वाई टाइप करो। ठीक है, अगर आपको लगता है डाउट है अभी भी तो एन टाइप कर दो बेटा। चलो शाबाश, बिल्कुल सही, सभी बच्चे समझ गए। ठीक है ठीक है, वैसे तो बच्चों का बहुत पहले ठीक था वो, लेकिन किसी की प्रॉब्लम थी अगर तो मैंने डिस्कस कर दिया बेटा। असाइनमेंट टू में आ जाते हैं। असाइनमेंट टू में एक क्वेश्चन नंबर टू था जो विश्रुत ने बड़े अच्छे ढंग से पॉइंट आउट किया, विश्रुत ने पॉइंट आउट किया और बच्चे का किसी का मेरे को, अच्छा अब बहुत से बच्चों ने कल मेरे को आंसर की भेजी थी तो आई एम हैप्पी विद इट कि बहुत से बच्चों ने किया काम। इवन ऐसा हो गया कि मेरा जो फोन था उसमें मेरे अपने जो ग्रुप थे वो गायब हो गए, सब आपकी लिस्ट भर गए, पूरे लिस्ट से भर गया हो। ठीक है, तो चलो आगे क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल बात सुनो। पायल पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूस, बेटा पायल मेरी बात सुन, जिस टॉपिक की बात चली हो ना बेटा उसी का क्वेश्चन पूछो, नहीं तो जो मैं समझा रहा हूँ वो भी समझ नहीं आएगा। कंटिन्यूस कर्व क्या होता है वो तो फील्ड लाइन पढ़ाऊंगा तब आएगा ना, अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो बेटा। ठीक है, जिस कंसेप्ट को कराया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ठीक है, चलो आगे सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन नंबर टू था असाइनमेंट 1.2 का, क्या बोला हुआ था, बोलता टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.06 मीटर। ठीक है बेटा, और चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, चार्जेस के बारे में नहीं बताया,
सिर्फ ये बताया था कि उनके बीच का जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, ये इंफॉर्मेशन थी। फिर क्या बोलते कि नाउ, अब जो अगली लाइन थी वो इंटरेस्टिंग थी, क्या बोलता है, इफ ईच ऑफ द चार्ज इज मूव्ड बाय द डिस्टेंस 0.04, इफ सिक्स क्वेश्चन भी है 101 का, ठीक है आंशिका बेटा मैं बाद में आता करता हूं, पहले इसको पूरा कर लो बेटा। 0.04 ई चार्ज मूव किया। अब बेटा अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने अपने ढंग से आदमी समझ सकता है। जो बुक में आंसर दे रखा है, जहां से मैंने असाइनमेंट पिक की है, वहां पे वो मिस्टेक कर गए। यहां पे उन्होंने ऐसे कर लिया कि भाई अभी गैप इतना था, इसका मतलब कि बाद में गैप इतना हो गया, इतना हो गया। बट अगर लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसने बोला था ईच चार्ज इज मूव टूवर्ड्स अदर बाई 0.04, मतलब दोनों को चलाना था। अब देखना आपने बेटा, इसको चलाओगे अगर 0.04 और उसको भी चलाओगे 0.04 तो क्रॉस कर जाएंगे ना, करेंगे कि नहीं। ये जो Q2 है ना बेटा, 0.04 चल के यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा इधर, और Q2 और जो Q1 है बेटा वो इधर चला जाएगा, और इनके बीच का जो गैप था वो होना बचना था 0.02 मीटर। इसका मतलब हमने डिस्टेंस को 1/3 कर दिया। देखो जितनी डिस्टेंस थी उसको 1/3 कर दिया। अब इससे अगला जो पार्ट था बेटा F, क्या चेंज किया सिर्फ आपने, डिस्टेंस चेंज की ना। तो न्यूमेरिकल्स का तरीका यही होता है कि जो चीजें कांस्टेंट है उनको हटा दो, जो वेरी कर रहे हैं उनको ऊपर ध्यान दो। तो हम क्या वेरी कर रहे हैं, डिस्टेंस। के Q1 Q2 मैंने गायब कर दिए। क्यों गायब कर दिए, उनका रोल ही नहीं है ना। मैंने K को चेंज किया हुआ, मीडियम को चेंज नहीं कर रखा, Q1 को भी नहीं चेंज किया, Q2 को भी नहीं चेंज किया हुआ, दैट्स व्हाई उनको लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अब देखो F डैश अपॉन F, नया फोर्स अपॉन पुराना फोर्स इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा देखो यहाँ, R अपॉन R डैश का स्क्वायर। आगे आप कर लोगे, सिर्फ क्वेश्चन की जो खासियत थी वो यही थी। तो इसका आंसर जो होगा वो बॉल ना आके डॉग आंसर आएगा बेटा इसका, ठीक है। और अगर लेकिन दोनों तरफ नहीं मूव करते ना, सिर्फ ऐसा बोलते कि नाउ द गैप इज रिड्यूस टू दिस, 0.06 को रिड्यूस करके 0.04 कर दिया, तब आंसर बॉल ऑप्शन आना था बेटा, ठीक है। तो इट वाज ए गुड क्वेश्चन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था आप लोगों ने, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। तुषार ने भी बिल्कुल सही आंसर किया, ठीक है। अब सुनो बेटा, असाइनमेंट 102 में क्वेश्चन नंबर 8 ये आसानी क्वेश्चन था, पर फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है मैं बता देता हूँ। ये था मीडियम चेंज करने वाला क्वेश्चन। अगर आपके पास असाइनमेंट है सामने तब भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने पढ़े होंगे तो याद तो होंगे ना आपको। तो सुनो, बोला कि वी आर हैविंग टू चार्जेस, क्या चार्जेस है वो नहीं बता रखा है। वी आर हैविंग एनी टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, चार्जेस के बीच में डी गैप दिया हुआ है, और बोला था फोर्स बिटवीन दी चार्जेस इज एफ, फोर्स एफ हो गया। नाउ नाउ द गैप बिटवीन द चार्जेस, दिस गैप डी गैप इज फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक क्या है वो बाद में समझाऊंगा अभी, ठीक है, अभी टाइम आएगा उसका बेटा। तो इट इज फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक, और जब इसको डायलेक्ट्रिक से फिल किया उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे दिया। जब बेटा ऐसा क्वेश्चन आया ना, आपने एकदम ध्यान देना कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और हम पढ़ी तो है, और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशंस। लोग बोलते हैं डेफिनेशन क्यों याद करने, हम तो न्यूमेरिकल करने हैं। वही न्यूमेरिकल तब होंगे जब पहले डेफिनेशन आती होगी। देखना इस क्वेश्चन में कैसे इंपॉर्टेंस है, डेफिनेशन याद करो बेटा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो था फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। ये डेफिनेशन करवाई है मैंने, अगर नहीं होगी तो पीछे नोट्स चेक करने आपने। तो बेटा वैक्यूम मतलब जब एयर है तो वैक्यूम मान लेना, ये फोर्स दे रखा है आपको। जब आपने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी तब का फोर्स पूछा है, मतलब इसने फोर्स पूछा है जब आपने बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया बेटा, ठीक है, तब का फोर्स पूछा है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, एफ नॉट अपॉन के, सीधा देखो एफ एम यहां गया, के यहां आ गया। एफ नॉट इनिशियल फोर्स कितना दे रखा है बेटा एफ, और के कितना दे रखा है 2, तो कितना फोर्स हो गया एफ अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर आपने 10 पूछा हुआ था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 फिर इसी कंसेप्ट पे था,
इसको मैं डिस्कस करूंगा, इतना डिस्कस करूंगा मैं अभी। उसके बाद अगर कोई फिर रह जाएगी प्रॉब्लम तो आपने मुझे कल दोबारा बताना, क्योंकि टॉपिक आगे भी चलना चाहिए। हो सकता है जो मैं आज ये बात पे बताऊं उससे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो अपने आप ही निकल जाएं। मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, टू पॉइंट चार्जेस, कैसे टू पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, ठीक है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज एफ। चार्जेस भी दे दिए बेटा, डिस्टेंस भी दे दिए, फोर्स भी दे दिए, फिर क्या बोला, नाउ बिटवीन दीज टू चार्जेस सम डायलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड। अब बोलता है कि यहां पे हमने ना कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर लिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, पर डिस्टेंस चेंज कर दी, डिस्टेंस चेंज कर दी आर डैस, दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज कर दी, इस तरह से चेंज करी, ये सोच के चेंज करी कि फोर्स वही रह जाए जो पहले था, फोर्स वही रह जाए जो फोर्स पहले था। अब इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बोलता फोर्स नहीं चेंज होना चाहिए, फोर्स ही चेंज होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना, दोनों डायग्राम बना देनी, ये बिना मीडियम वाली है, ये वैक्यूम वाली है बेटा, ये ऊपर वाली, ये वैक्यूम वाली है बेटा, और इसमें आपने मीडियम रख दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि फोर्स चेंज ना हो, जब बेटा आप चाहते हैं फोर्स नहीं चेंज हो तो यहां फॉर्मूला लिख देते हैं फोर्स का, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, के के की जगह पूरी ऐसे लिख देता हूं, 1/4 ε0 Q1 Q2 √R2, दिख रहा नहीं यहां तक, हाँ फोर्स का फॉर्मूला आ गया बेटा। यहां दोबारा लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला डायग्राम से, बट ये वाला फॉर्मूला वैक्यूम के लिए वैलिड है, और अगर आपने मेरी पुराने वाली बातें ध्यान से सुनी होंगी तो आपको मैंने यहां बताया था कि अगर अगर वैक्यूम के बजाय डायलेक्ट्रिक मीडियम हो तो कूलम्ब कांस्टेंट जो होता है के स्मॉल के, वो बन जाता था 1/4 ε0 इंटू कैपिटल के। ध्यान रहे बेटा, ये कैपिटल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो जो स्मॉल के लिखते थे ना इसकी जगह हम ये वाला, ये बेटा कूलम्ब कांस्टेंट है, इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं आपने, इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। और जब चार्जेस के बीच में मेरा आपने मीडियम चेंज कर दिया, कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया आपने, तो यहां पे अपॉन कैपिटल के आ जाता है, और चार्जेस थोड़ी चेंज किए वो तो वैसे ही, डिस्टेंस चेंज किए आर डैश का स्क्वायर हो गया बेटा, डिस्टेंस चेंज की थी हमने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता था बेटा, कि फोर्स सेम है, उसने क्वेश्चन में पहले मान मेंशन कर दिया हुआ है कि फोर्स सेम है, मैंने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दिया, जब उसने मेरे को बोला ना कि फोर्स सेम है, मैंने क्या किया, ये कंपेयर कर दिया बेटा दोनों इक्वेशंस, कोई बात नहीं 2 बाहर है कोई बात देख लेना, तो इक्वेशन कंपेयर कर दी। जब बेटा मैंने इक्वेशन कंपेयर की तो 1/4 ε0 Q1 Q2 √R2 इसको कंपेयर कर दिया 1/4 ε0 K Q1 Q2 √R2। अब इससे आगे क्या करना है मैंने समझता कि मुझे बताने की जरूरत है, अब हर बच्चा कर लेगा, आर डैश से निकालना है बाकी चीजें कट जाएंगी, ठीक है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा बेटा मेरे पास, मैंने भी सामने यूट्यूब लगा रखी है ताकि मेरे को वैसा दिखे, तो बेटा आप अपने पास थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम चेक करो, वहां से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो तो क्लियर है बेटा ये सारा, चेक करें, अगर क्लियर है तो मेरे को यस लिख दो। ठीक है पायलपुरी बेटा यस, ठीक है सुशांत। चलो तो फिर अब फिलहाल मैंने बेटा आज इतने क्वेश्चन डिस्कस किए एमसीक्यू के, किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन की दिक्कत रह गई होगी ना तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना आपने, मैं वो वाले क्वेश्चन कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं अपने कल के आधे अधूरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कल थोड़ा बिखर गया था टॉपिक, आज हम उसको समेटेंगे अपने पास, ठीक है, आज हम उसको समेटेंगे, ठीक है। चलो आप देखें क्वेश्चन क्या था बेटा, कि हमें EFI निकालनी थी, जानते हैं ना EFI को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ड्यू टू किसकी वजह से, एक रिंग आया था हमारे हाथ, यूनिफॉर्मली चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज था,
और रिंग था। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और कहाँ निकालनी थी बच्चों बताओ, बोला कहाँ निकालनी थी, लग जाएगा बता, कितने बच्चों ने देखा होगा कहाँ निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहो देखो बोला कितने बच्चों ने पढ़ा है, कहाँ निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे नहीं बेटा, स्टेंस सात्विक, बिल्कुल सही, मैक्सिम बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सरफेस पे थोड़ी निकालनी थी, ऑन इट्स एक्सिस में निकालनी थी, जो मैंने बीचों बीच नहीं क्रॉस कराई थी रिंग के वॉच लेके, ठीक है, रिंग के बीचों बीच जो लाइन क्रॉस करते हैं, रिंग के बीच में से जो लाइन क्रॉस करेगी दैट इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। थोड़ा फास्ट करूंगा बेटा मैं आज, क्यों कल मैंने समझा दिया था, तो ये रिंग रखा, हॉरिजॉन्टली प्लेस नहीं है, वर्टिकली प्लेस, ऐसे कॉपी के ऊपर ऐसे वर्टिकली प्लेस किया बेटा आपने, ये इसका सेंटर, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट पी लिया था, और ये रिंग हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज था। नॉन इनफॉर्मली में क्या होता है, नॉन इनफॉर्मली में बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, तो फिलहाल ना ही उलझे तो ठीक है। ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया, क्योंकि बड़े से लड़ना आता नहीं था, तो हमने टुकड़े को डिसाइड किया, इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया, डी क्यू इज इक्वल लैम्डा डी एल, अब मैं समझाऊंगा नहीं कि कैसे होगा, वो कल आ गया है ना, लैम्डा डी एल चार्ज आ गया बेटा इसके ऊपर। रिंग का रेडियस हमने माना था ए, यहां से यहां मिला लिया था मैंने, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, तो खुद को आपने वहां इमेजिन करना है जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां सोचना आपने खुद को, ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा बड़ा बड़े आराम से मैं पढ़ा नहीं सकता, बट चलो फिर भी कोशिश करता हूँ। रिंग पॉजिटिव चार्ज है बेटा, स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना हो गया, लैम्डा डी एल हो गया बेटा, ठीक है। यहां निकालनी थी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना, तो सोर्स की तरफ नजर मारनी होती है, सोर्स देखा वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव का क्या रूल बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, है ना, और क्योंकि छोटे से एलिमेंट की थी तो हमने उसको डी ई लिखा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। ये एंगल मैंने अज्यूम कर लिया थीटा, बाद में इसका इलाज कर लेंगे हम, ये गायब कर देंगे हम, मुझे लगा यार डी टेटा मिट आ रहा है, टेटा मिट का मतलब है कि इनक्लाइंड आ रहा है, ये एंगल देखा वर्टिकली अपोजिट था बेटा, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट था, कंपोनेंट किए तो इधर को कंपोनेंट क्या करेंगे, डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा इसका भाई इधर आ जाएगा, इधर डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा इधर आ गया, ठीक है, ये बन गया। तो इसको आपने इसके बारे में सोचना पड़ता आपने, ठीक है। अब जैसा ये एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट एक और, इसके एलिमेंट का नाम ले लिया मैंने ए बी, तो वेरी सिमिलर एलिमेंट ए डैश बी डैश इज अगेन टेकन ऑन द काउंटर अपोजिट पार्ट ऑफ दिस रिंग, इसके ऊपर जो चार्ज होगा बेटा वही होगा लैम्डा डीएल, डीएल इसकी लेंथ ली है मैंने, अब मैंने इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिला दिया, जब इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाया और मैंने डायरेक्शन देखनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां जाके मैंने इसकी नजर तरफ नजर उठाई तो ये पॉजिटिव था, और मुझे सिखाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इधर को डी। अच्छा अब जितने हाइट पे ये है ना, सेंटर से जितनी हाइट पे ये है उतना ही नीचे की तरफ को है, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो एंगल थीटा होगा सेम, मतलब जितना ऊपर की तरफ होगा उतने एंगल नीचे की तरफ भी होगा बेटा, तो ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा होगी, हुआ कि नहीं। अब जैसा पिछले वाले डीई के साथ किया था वैसा इस वाले डीई के साथ भी कर लेते हैं, इसके साथ कर लेते हैं। देखो बेटा एक काम जरूर करना कि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊं उससे पहले जो आपको मैंने नोट सेंड किए हैं वो कॉपी पे आपने उतार लिया होना चाहिए, उससे पहले उतार लेना, फिर पता क्या होगा आप टॉपिक देखते भी जाओगे और आपको याद भी आता जाएगा कि हाँ कि कैसे कैसे किया है, ठीक है। आगे सुनो, ये डीई है तो इधर को क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। चलो अब उससे आगे सुनो, एक एलिमेंट लिया उसके भी डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा दो कंपोनेंट आए, सेकेंड एलिमेंट लिया उसके भी दो आए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे दो ही ले सकते हैं, हम ऐसे ऐसे देखो
लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स कर सकते हैं, जितने छोटे करते जाएंगे पार्ट का साइज जितना छोटा करेंगे नंबर उतना ही बढ़ता जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स जो पार्ट्स जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल दो का देख लेते हैं। अब आप देखो ये डीई साइन थीटा इस डी साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ऐसे बाकी एलिमेंट के भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको लिखना होगा, वहां नोट्स में लिख रखा है कि द डी साइन थीटा कंपोनेंट्स, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, आपने समय कर रहा हूं क्रॉस लगा के समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, आपने काटना नहीं है इनको, जैसे नोट्स में वैसे करना है। तो डी साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर, पर जो डीई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो ऐड होते जाएंगे, तो ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स के डी कॉस थीटा लार्ज नंबर में बनेंगे और सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था इसका, पर इस प्रोसेस के बीच में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताई थी मैंने, इस छोटे से एलिमेंट की क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू, क्यू कितना है लैम्डा डी एल, फॉर्मूला देख साइड लिख सकता हूं बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है छोटे एलिमेंट का, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है ना ये, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज का है, वही है मैंने के क्यू अपॉन, इस डिस्टेंस को अज्यूम कर रखा था हमने एक्स, तो ये डिस्टेंस थी आर, ठीक है। तो आर मेरे पास वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाया अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था, ठीक है। तो फिलहाल मैंने वैल्यू नहीं पुट करी पर इसकी, पीजीटी लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू नहीं पुट करी, सिंपली क्या लिख दिया यहां आर स्क्वायर लिख दिया। तो मुझे लगा कि ये तो डी ही आ गया बस, बाकी कुछ नहीं किया मैंने इसमें, इक्वेशन वन दे, फिर इस डी को रिजोल्व किया डी कॉस थीटा डी साइन थीटा में, फिर लिखा कि द डी साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर व्हाइल द डी कॉस थीटा कंपोनेंट विल ऐड अप। जब बेटा वो हमने ऐड किए, इस तरफ कर लेता हूं डायग्राम अभी रखते हैं, देयरफॉर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी मेरे को पूरे रिंग की, पहले जो निकाली वो छोटे एलिमेंट की थी, अब हम पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और कल हमारी बात हो गई थी कि पूरे की निकालने के लिए आपको इस स्मॉल पार्ट की करनी होगी इंटीग्रेशन। तो आपको ये स्मॉल पार्ट ले रखा है, मैं इसको रब कर देता हूं अभी यहां पे, डेरिवेशन में परेशान करेगा। अच्छा तो डी की, लेकिन डी का एक पार्ट तो मर चुका है डी साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन में कौन बचा, सिर्फ डीई कॉस थीटा बचा हमारे पास बेटा। अब डीई की वैल्यू क्या थी, के की बजाय ऐसे लिख देता हूं, आपने दोनों तरफ से अपनी प्रैक्टिस रखनी है, लैम्डा डी एल, हाँ जी ठीक है, आर स्क्वायर वो भी ठीक है, डीई तो ठीक है, कॉस थीटा बचा, तो वो ट्राइंगल आपने तो डायग्राम बना रखी होगी, मैं साइड में बना देता हूं, मेरे पास ऐसे थे, ये थीटा था, ये मेरा रेडियस ऑफ द रिंग था, ये डिस्टेंस थी और ये आर था, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइड में लिखा देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बेस इसमें ये एक्स बनेगा और हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने होता है या राइट एंगल के सामने, एक्स अपॉन आर बन गया, इसका मतलब कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, एक्स अपॉन आर। तो यहां तक तो हमने कल कर लिया था ढंग से एक्सप्लेन, इसके आगे थोड़ा सा कनेक्टिविटी की दिक्कत आई थी, तो ये मैंने बेटा पूरा रिपीट करा दिया, ठीक है। अंशिका पूछ रही है कि उस तरह में कहां अप्लाई करना है, बेटा वो धीरे धीरे पता लगेगा, फिलहाल कंसेप्ट समझ लो, रियल लाइफ में इनको हम कहां यूज करते हैं इन कंसेप्ट को, वो जब अभी तक मैं आपको जब बताऊंगा तो मैं नहीं समझता कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो लेट अस वेट फॉर दैट, कुछ पहले बेसिक सीख लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि रियल लाइफ में हमें इनको कहां यूज करना होता है, जो एडवांस इंजीनियरिंग होते हैं अब वो उस तरफ जिसका इंटरेस्ट होगा, बट बेसिक फिजिक्स तो पढ़नी पड़ती है ना सबको, ठीक है। अगर हमने कल को डॉक्टर भी बनना है, मेडिकल साइड में भी जाना है, तब भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, आज के बिना इंस्ट्रूमेंट के तो कोई चीज नहीं है, कोई भी आप टेक्निकल चीज यूज करनी है तो पहले आपका माइंड डेवलप होना चाहिए। इन डेरिवेशन को करने के पीछे रीजन होता है जस्ट टू पॉलिश द माइंड, ठीक है, दैट्स व्हाई फोकस ऑन द टॉपिक बेटा। चलो इधर देखो, जो चीजें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होती हैं वो बाहर कर लेनी, तो एक तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, लैम्डा फिक्स्ड, एक्स कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप भी देख सकते हैं बेटा ये पॉइंट, ये एक्स जो है रिंग के, ये इस रिंग के एलिमेंट के चेंज करने से एक्सचेंज नहीं होगा,
आप एलिमेंट यहां ले लो चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखना। अब लैम्डा इंटू एक्स, नीचे बेटा कौन है, आर क्यूब, आर क्यूब है। ठीक है, आर क्यूब जो है ये देखो, ये आर अगर आप रिंग से इस ऐसे रिंग है ऐसे, इस रिंग के डिफरेंट पॉइंट से भी इसकी मेजरमेंट करोगे ना ये इस पॉइंट की, तो दैट रिमेन्स सेम, तो आर भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटेग्रेशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ डीएल बचा। अच्छा डीएल क्या था, रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट। मुझे जब इंटेग्रेशन करनी होती है तो लिमिट्स पे ध्यान देना पड़ता है, तो मैंने देखा कि ये जो डीएल है जो एक स्मॉल एलिमेंट है, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू देखी जाए तो क्या हो सकती है, जीरो। इस रिंग का अगर बहुत छोटा एलिमेंट लेना है तो दैट वैल्यू कैन बी जीरो, और अगर मुझे इसका मैक्सिमम लेंथ वाला एलिमेंट लेना है, रिंग का पूरा रिंग लेना है, कंप्लीट रिंग लेना है, तो दैट विल बी 2π। इसका मतलब या ऐसे में समझ लो, एक और तरीके समझ लो कि मुझे पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, अभी मैंने छोटे से एलिमेंट की निकाली थी, वहां से लेके पूरे रिंग की निकालनी है, तो मतलब मुझे जीरो लेंथ से लेके 2πa लेंथ तक की निकालनी है। ठीक है, तो ये लिमिट समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, 1/4πε0 लैम्डा एक्स आर क्यू, डीएल की इंटेग्रेशन बेटा एल होगी, देखो डीएल की इंटेग्रेशन एल होगी, अब कहां से कहां चला गया, 0 to 2π के चला गया। इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां कर देता हूं मैं, बड़ा लिख रहा हूं सो दैट कि देखने में दिक्कत ना आए आपको, 1/4πε0 लैम्डा इंटू एक्स आर क्यू। अब बेटा मैंने यहां लिमिट पुट की, देखो एल की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आप कर सकते होंगे मेरे ख्याल आराम से 2π आ जाएगा। यहां आपने गलती में, ठीक है, यहां आपने गलती से 2π या पाई से कैंसिल मत करना, ठीक है, उसको कैंसिल मत करना। ठीक है, तो यहां पे आप इसको ऐसे रखो फिलहाल, 1/4πε0, ये जो लैम्डा है ना, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इनटू ये जो लेंथ है हमारे पास 2πa, इनको इकट्ठा करके लिख लो, क्योंकि हमारे पास एक और टर्म आने वाली है, ठीक है, एक और टर्म आने वाली है, इनटू एक्स हो गए अपॉन आर क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, देखो जो बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, तो समझने के लिए तो बेटा दिमाग अपना ही लगाना पड़ेगा, और मेरे को अननेसेसरी जो कमेंट्स आते हैं मेरे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। ठीक है, दैट्स वाई जो बच्चे प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं बेटा, वो टॉपिक पे फोकस्ड रखें, वो टॉपिक फोकस्ड रखें, मुझे क्या चीज बतानी है, कितनी बतानी है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। ठीक है, तो आप बच्चे जो प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, वो बेटा इन कमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशन में हम अब कमेंट्स को ब्लॉक करने लगे या वो करने लगे तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। ठीक है, एंड हम क्या है हमें सब पता है, दैट्स वाई बेटा टॉपिक में बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ, इतना स्लोली हम पढ़ाते नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी हम आराम से पढ़ा रहे हैं। आपको अपना दिमाग लगाना है, जितना दिमाग आप इन कमेंट्स को करने में लगाते हो ना, वहां पे टाइम लगाते हो, उसके बजाय टॉपिक पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो बेटा जब क्लासें लगेंगी ना और जो टॉपिक हम यहाँ पूरे कर देंगे, इनको कोई नहीं पढ़ाएगा, जब इनको नहीं पढ़ाएंगे तो अगले कंसेप्ट कोई समझ में नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसंट्रेट। ये लॉकडाउन कितने दिन चल रहा है बेटा कोई पता नहीं, हो सकता है 2-2.5 महीने आपको ऐसे ही पढ़ना पड़े, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पढ़ाई छोड़ के आराम से बैठ जाओगे, दैट्स व्हाई ऐसे कमेंट्स ना करें, हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, बट उसके बजाय आप खुद ही, जो बच्चे सिंसियर हैं वो बेटा सिर्फ यहीं पे ध्यान रखना अपने टॉपिक्स पे, हम समझा कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी बच्चे बीच में जुड़ेंगे तो उनका हम चलो इलाज कर लेंगे जो भी करना होगा, पर फिलहाल आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पूरा कंसेंट्रेट करें बेटा। चलो सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि लैम्डा इंटू 2π ये जो टर्म दिख रही है ना आपको, ये पता क्या चीज है, लैम्डा क्या चीज है, मैं यहाँ अलग से समझा रहा हूँ बेटा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, और 2πa लेंथ है रिंग की, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग है ना ये, तो 2πa उस रिंग की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, और लैम्डा इंटू लेंथ किसका फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है, इसको साइड में नोट कर सकते हैं आप,
ठीक है, तो बट ऐसे लिख सकते हैं, बट लैम्डा इनटू लेंथ को मैं ऐसे कर लेता हूं, देखो 2 पाई a इज इक्वल टू चार्ज हो जाएगा, कौन सा चार्ज, चार्ज ऑन रिंग हो जाएगा बेटा, तो लैम्डा इनटू 2 पाई a बिकम्स क्यू, क्यू इज द चार्ज ऑन द रिंग, नेट चार्ज इसको बोलते हैं बेटा हम, ठीक है। चल आगे बढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैलकुलेट हो रही है बेटा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू 2 पाई a को हम क्यू लिख सकते हैं, क्यू पूरे रिंग का चार्ज है, ये क्वेश्चन बेटा लैम्डा के फॉर्म में भी आता है और क्यू की फॉर्म में भी आता है, इसलिए आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, इनटू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब क्योंकि मेरी डेरिवेशन फिनिशिंग एंड पे आ गई, तो मैं सोच रहा हूं कि जो आर मैंने पहले जाके रखा था ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल ली थी जहां मैंने, वहां से इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो आप लोगों ने अगर डायग्राम बनाई है तो आप आर को ध्यान से देख सकते हो, x² + a² का रूट था वहां वो, बट वो था सिंपल आर, यहां आर का क्या हो रहा है देखो, साथ में क्यूब भी हो रहा है देखो बेटा, तो यहां बेटा आर का क्यूब भी हो रहा है, जब यहां आर का क्यूब भी हो रहा है देन इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग की वजह से है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स, और यहां आ गया x² + a² की पावर 3/2 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो फॉर्मूला अभी बेटा ड्राइव किया ना हमने, जो बच्चे भी न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट रखते हैं, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा बेटा, ये हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, कॉस एक्स, गोपाल, गोपाल बेटा कॉस एक्स ना बेटा, वो मैंने ट्राइंगल नहीं बनाई थी यहाँ ऐसे, कॉस थीटा पूछ रहे हो ना आप, ये तो ऐसे ट्राइंगल बनाए थे वैसे थीटा, ये इसका बेस था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, ये बेस बेटा एक्स था, हाइपोटेन्यूज हमारा आर से रिप्रेजेंट हुआ था, और परपेंडिकुलर हमारा रेडियस था ए, वहां से निकाला था बेटा कॉस थीटा मैंने, ठीक है, कॉस थीटा मैंने वहां से कैलकुलेट किया था, ठीक है। चल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, अब बेटा इसके आप ना स्पेशल केसेस करो, उन स्पेशल केसेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, पिछली बार जेई मेन में यहां स्पेशल केसेस से क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने, ठीक है। चलो बेटा देखो स्पेशल केसेस नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि EFI निकालो एट द सेंटर ऑफ रिंग, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के सेंटर पे कैलकुलेट करो। अच्छा अब आप पिछली डेरिवेशन थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, लैम्डा वाला फॉर्मूला याद करना है, ये बेटा लास्ट क्यू वाला याद कर लेना बेटा, तो क्यू को लैम्डा इंटू 2 पाई a तो आप याद रख ही लोगे, चार्ज को लैम्डा इंटू 2 पाई याद रख लोगे, तो उसकी जरूरत नहीं है लैम्डा वाले याद करने की, बस इसी को करना है आपने और काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलो EFI एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो रिंग में अभी तो आपने यहां लिया था पॉइंट, दूर दूर लिया था पॉइंट, लेकिन जब आपसे पूछा रिंग के सेंटर में बताओ, तो इस पॉइंट को नजदीक 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 लाते 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 यहां पहुंचा दो, तो ये पॉइंट जब बेटा सेंटर पे आ जाएगा, वो जो एक्स नहीं था यहां, इसकी डिस्टेंस सेंटर से वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेयर इस स्पेशल केस में एक्स इक्वल टू 0 हो गए, इट मींस कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 0 हो गई, जब बेटा एक्स 0 हो गया देयरफॉर इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला पढ़ा देखो सामने, ये एक्स भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इससे तो चलो बाद क्या फर्क पड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन ये जब 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गया, और बहुत से बच्चों ने आंसर भी बता दिया था, वेरी गुड वेरी गुड, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, एंड आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि कौन बच्चा इन्वॉल्व है, कैसे ध्यान दे रहा है, तो मुझे वो सब बच्चों का पता है, ठीक है, तो मेरे को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है, आप रिलैक्स रहना है, मैं रिलैक्स हूं, ठीक है। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रिक ये हो गई बेटा फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलते हैं स्पेशल केस हो गया हमारा, अगला लिखो EFI एट
लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, किसी रिंग के सेंटर से एक्सिस पे ही है, बट उसे लार्ज डिस्टेंस पे। जब उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, तो पहले मेरे को फील्ड भी तो आनी चाहिए ना, मतलब क्या हो। तो बेटा देखो ये रिंग था हमारा और पॉइंट दूर है, इस बार दूर है पॉइंट। जब बेटा पॉइंट दूर चला गया तो ये चीज बढ़ गई ना, कौन एक्स, तो एक्स बहुत बड़ा हो गया। अब बेटा एक्स अगर बहुत बड़ा हो गया तो ये डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना, ये थोड़ी चेंज हुई, जो ए डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड है। ये दूर चला गया, जब ये दूर चला गया तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, हेयर एक्स मच ग्रेटर देन ए, एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा ए से। ये बेटा उल्टा बोल दूं कि ए, ऐसा बोल सकते हैं आप, मच लेस देन एक्स, इसका मतलब कि वो जो रेडियस है रिंग का वो बहुत छोटा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। आई थिंक आप बहुत बार इस वाले कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, जब बहुत छोटी चीज होती है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एज कंपेयर टू ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर के बेटा। तो हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक्स। देखो यहां ये जो ये ए स्क्वायर है, देखो ये इसको हम जीरो मान लेंगे एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर के, तो हम ए स्क्वायर को बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखो क्या आने वाला है, ई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। यहां तक तो कोई चेंज नहीं की बेटा, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा जैसे ये था, बहुत से बच्चों ने आंसर भी कर दिया, वेरी गुड। देखो यहां पे बेटा ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस जीरो, ए स्क्वायर को बेटा नेग्लेक्ट कर दिया देखो मैंने यहां, तो एक्स स्क्वायर ही बचा है यहां, और पावर कितनी है बाहर 3/2। अब मैं इसको यहीं से सजा देता हूं, ये तो उठ जाएगा अगले स्टेप में, ये जो पावर है 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, तो क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब बन गया। अब एक एक्स के साथ कट जाएगा बेटा, तो आपके पास जो फॉर्मूला बना वो ये बना। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कितनी होगी। जब ये लास्ट फॉर्मूला आया तो आपको फील आया होगा कि यार ये फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ा है, वही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक्स ले लिया आर की जगह हमने। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, EFI का होता है ड्यू टू। अब आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सी सिचुएशन में होता है, शाबाश बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस सिचुएशन में होता है, बिल्कुल अमन, शिवांगी, स्नेहल, बिल्कुल सही बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, कनेक्टिविटी बन रही है चीजों की, पीछे चीजें पड़ी हुई आगे आगे काम आना स्टार्ट हो गई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे बेटा, वेरी गुड। मैक्सिम बच्चे बता रहे हैं कि पॉइंट चार्ज का होता है, बिल्कुल बेटा पॉइंट चार्ज का होता है। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सुनना क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये रिंग है दिख रहा है सबको, हाँ ये रिंग है, अगर हमारा पॉइंट बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए तो दिस रिंग विल नॉट बिहेव लाइक ए रिंग, दिस रिंग विल नॉट बिहेव लाइक ए रिंग, दिस रिंग विल बिहेव लाइक कि मैं तो सिकुड़ गया, और इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये रिंग है वो रिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा जब लार्ज डिस्टेंस पे ले जाएंगे आप, दिस रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। एक दिन बच्चे ने साथ से पूछा भी था कि सर पॉइंट चार्ज कब लेते हैं, तो मैंने बताया भी था कि जब किसी बॉडी की डायमेंशन हो छोटी, जिस बॉडी पे चार्ज है उसकी डायमेंशन हो छोटी, चाहे रिंग हो, चाहे क्यूब हो, चाहे स्फीयर हो, पर छोटी डायमेंशन का हो, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा वो लार्ज डिस्टेंस पे हो, तो उस सिचुएशन में हम उस बॉडी को, चाहे क्यूब है चाहे स्फीयर है, फॉर दैट सिचुएशन वी कैन टेक दैट बॉडी एज ए पॉइंट चार्ज। तो वैसा रिंग के साथ हुआ था, रिंग हो पर इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। थर्ड स्पेशल केस करो बेटा,
इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट इंफिनिटी। अगला केस करना बेटा आपने कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इंफिनिटी पे हो तो क्या होगा। चार्ज मैं आपका वेट कर लेता हूं बेटा, इंफिनिटी पे हो तो क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास लार्ज डिस्टेंस का आ गया है, बट मैंने लार्ज में भी इंफिनिटी ले लिया बेटा। एंजल, आयुषी, सात्विक, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो उस सिचुएशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स था ना, जो तो एक्स से क्या भरेंगे हम, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होगी तो जीरो होगी। अब बेटा मैं थोड़ा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाऊंगा आपको, बोर्ड में तो नहीं पूछते इस बात को, जो यही मेन में लास्ट ही पूछा था उन्होंने। देखना क्या चीज थी, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, कराऊंगा नहीं पूरा, मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा मैं करवा के, सो दैट कि आप मेंटल प्रैक्टिस करें और मेरे को सॉल्व करके सोल्यूशन करके भेजें, क्योंकि बेटा एग्जाम आपने देने हैं, मैंने नहीं देने, दैट्स व्हाई आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए। कॉम्पिटिशन में तो उसी ने सिलेक्ट होना है जिसका ब्रेन डेवलप होगा, और ये सारी एक्सरसाइजेज, सारी डेरिवेशंस ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए होती हैं, ठीक है। बाकी चीजें क्या होनी है बाद की बात है, पहले तो दिमाग डेवलप होना चाहिए, माइंड डेवलप होगा तभी अगली सारी चीजें चलेंगी। सुनो, यहां आपने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो कितनी आई, जीरो आई। जब आपने इंफिनिटी पे निकाली तो कितनी आई, जीरो आई। जब आपने सेंटर पे निकाली तो जीरो आई, इंफिनिटी पे निकाली तो जीरो आई। तो क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि थ्रू आउट ही जीरो रही। अगर आपको ऐसा लगता है तो यस लिखो, अगर लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं तो नो लिखो। बेटा यहां जीरो है तो यहां जीरो, तो मैं मान रहा हूं कि सारे जीरो है, सारे जीरो है, क्या ये मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। नो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर सारे जीरो होते तो इतनी डेरिवेशन करने का एक होती। अच्छा ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि जब मैं सेंटर से इधर जाऊंगा राइट साइड को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं सेंटर से आगे को जाऊंगा, जीरो थी यहां इससे आगे को जाऊंगा, तो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सुशांत बोल रहा है डिक्रीज होगी, सुम बोल रहा है इंक्रीज होगी। टिल सेंटर, टिल सेंटर मतलब बेटा टिल सेंटर नहीं समझा, तो देख लेता हूं क्या जवाब आता है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूं यहां पे, मेरे को जजमेंट बन जाएगी कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे, कुछ गिने चुने बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, और यही इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। पहले यहां से जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम से जब आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। जय मैंने पता क्या क्वेश्चन पूछा था कि बताओ रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपनी एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होती है, डिस्टेंस पूछी थी यहां से यहां, ये डिस्टेंस पूछी थी, और जो आंसर दिए हुए थे ऑप्शन में वो रेडियस के फॉर्म में थे। मैं इसको रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूं, कुछ भी हो सकता है, सिंपल का थोड़ी होता है कि ए लेना है आपने, कुछ भी ले सकते हैं। यहां आर है तो ये डिस्टेंस पूछी हुई थी ये, तो ये आर डैस आपको निकालना था, मैं आपके छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, हिंट देके चला जाऊंगा। हिंट ये है कि कोई चीज मैक्सिमम तब होती है जब उसका डेरिवेटिव जीरो होता है कि नहीं बेटा, कोई चीज मैक्सिमम तब होती है जब उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। कुछ बच्चों ने शायद पढ़ भी लिया है, उन्होंने आंसर भी कर रहे हैं, बट आप मेरे को बेटा इसको ड्राइव करके बताना है आप लोगों ने, ठीक है। जस्ट मैं आंसर नहीं चाह रहा हूं, मैं आपने मेरे को भेजना है सॉल्व करके, मेरे को आपने भेजना है, तो फिर मेरे को अच्छा लगेगा जब आप इस चीज को कर लोगे, ठीक है। चलो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग इस आर्टिकल को क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बेटा, अगला जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, टॉपिक सॉरी, वो टॉपिक हमारा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंस उसकी है ही, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखो हेडिंग लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस। 10th क्लास के फिजिक्स में बेटा आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन दोनों का जो ऑरिजिन था, मतलब एक ही आदमी ने ये कंसेप्ट दिया था, वो थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के दिमाग में एक चीज आई, सुनो क्या चीज आई उसके दिमाग में। क्यों जनरली, जैसे कि वो बच्चे बोल रहे थे सर कि भाई आप उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ो, तो रियल लाइफ के साथ चीज जोड़ी जा सकती हैं, पर जबरदस्ती नहीं जोड़ी जा सकती हैं। जहां जोड़नी है वो मैं अपने आप जोड़ दूंगा उस चीज को। सुनो, अगर बेटा मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो, या तो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, कि चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है जहां आप उसके इफेक्ट को फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। और उस स्पेस का नाम रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने डिस्कस किया था कि उस पॉइंट के नजदीक नजदीक जो जगह होती है वहां उनका इफेक्ट ज्यादा होता है, इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और दूर दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। माइकल फैराडे को लगा, यार ये बातें ठीक है, बोलने में तो अच्छी लग रही हैं, पर एक ऐसे आदमी को अगर सिखानी हो जिसको फिजिक्स का कोई एबीसी नहीं आती है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, एक आम आदमी को मैं कैसे दिखाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। तो उसके दिमाग में एक कंसेप्ट आया फील्ड लाइंस का। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइंस रियलिटी में नहीं होती, तो पहली लाइन में बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट द रियल लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। फिर बोला यार क्या जरूरत पड़ेगी इमेजिन करने की, तो इमेजिन करने की जरूरत पड़ी कि मेरे को किसी आम और आदमी को भी दिखाना है कि देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां वीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को है, यहां लेफ्ट साइड को है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, जस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। अच्छा, फिर कंसेप्ट लिया कैसे उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे कर? मैंने क्या बोला कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज लाइंस आर ड्रॉन जस्ट टू गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विजुअलाइजेशन बनाने के लिए बनाई गई। लेकिन बनाते कैसे हैं वो मैं समझाना चाहूंगा, बनाते कैसे हैं। देखो, मेरे को एक टारगेट दिया गया कि भाई ये पॉइंट चार्ज है, और साथ में बोला कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड फैली हुई है। हाँ जी ठीक है, फैली हुई है, उसको रिप्रेजेंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, जब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो आपको टेस्ट चार्ज का सहारा लेना है। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा मैंने सिखाया था, कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जब किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना है तो हमें टेस्ट चार्ज का सहारा लेना है। जब मुझे टेस्ट चार्ज का सहारा लेना है तो मैंने टेस्ट चार्ज यहां रख दिया। अच्छा, और टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पता क्या करना, देखा आपने उस टेस्ट चार्ज को कहीं भी रख देना है, और इमेजिन करना कि उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, बाकी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही लग रहा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये जब इसको रिपेल करेगा तो ये पीछे हटेगा, देखो इधर ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, जिस रास्ते से वो भागेगा उस रास्ते को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं डेफिनेशन में आ जाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट, जैसे अभी यहां बनी, दीज लाइंस मे बी कर्व्ड, कर्व्ड कैसे आएगी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी कर्व्ड, बट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, बट दीज आर द पाथ्स, रास्ते हैं ये, विच आर फॉलोड बाई, कौन फॉलो कर रहे हैं उनको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो जो टेस्ट चार्ज लिया, जिस रास्ते पर वो टेस्ट चार्ज चलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बातों से चार्ज ना समझ पे आए दोबारा सुन लो, ठीक है, यहां रख लो बेटा उसी टेस्ट चार्ज को, यहां रख लो, ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अरे इसका इलाज कर लूं मैं, चलो एक सेकंड, अच्छा सुनो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे देखो कि ये क्यू नॉट है, ये प्लस क्यू है, इसने इसको रिपेल किया। अच्छा यहां जाओ, ये क्यू नॉट को ये प्लस क्यू क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, तो देखो यहां चले जाएंगे, इधर रखेंगे इसको हम तो इधर चले जाएंगे, धीरे धीरे तो हम बिना लाइन के बना लेंगे, बिना टेस्ट चार्ज के, सॉरी बेटा,
बिना टेस्ट चार्ज के बना लेंगे, देखो ऐसे ऐसे। और छोटा सा कंसेप्ट लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज की हमेशा होती हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू एनी चार्ज आर ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, अगर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेरा मतलब था डेफिनेशन समझाना, ठीक है? तो मेरा डेफिनेशन समझाना मतलब था, डेफिनेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ्स, रास्ते हैं, विच आर फॉलोड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू सो। और कोई फोर्स लग रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो जिस रास्ते पे चलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। चलो आगे सुनो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अपने कमेंट्स में बेटा वो बॉक्स आता है ऊपर, वहां से आप बंद कर सकते हैं, ठीक है? आगे सुन, नंबर टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी। पहला एग्जांपल लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करी बेटा। अब मैं उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करके बता रहा हूं। अब मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है बेटा, ठीक। चलो चलो फिलहाल यहां रखो, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। देखो इधर अपने कमेंट बॉक्स में बेटा उसको बंद कर दो बस, ये माइनस क्यू है। मुझे दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। कंसेप्ट क्या है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, पहले कौन सा, टेस्ट चार्ज, कहीं पे भी रख दिया। देखो पिछली बार हमारा सोर्स चार्ज ने उसको रिपेल किया था, इस बार रिपेल नहीं किया, इस बार उसने अट्रैक्ट किया। थोड़ा दूर रख के देख लेता हूं यहां, तभी वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो रास्ता बनाइए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बड़े कंसेप्ट में नहीं जाना तो सीधी सी बात बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज की स्ट्रेट बनती हैं, और उनका एरो जो होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। अगर बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव हो जानी थी, ठीक है? और जब हमारा नेगेटिव चार्ज बना तो क्या बन गई, टुवर्ड्स द नेगेटिव बन गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है? चलो ये हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। अब थोड़ा सा और अच्छा सीखते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही डिस्कस हो रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीसरी सिचुएशन में बनाने जा रहा हूं। अच्छा मेरे को बताओगे क्यों बनाने जा रहा हूं, क्यों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहता हूं, बताओ। शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्यों ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन के लिए, आर्यन पटेल बेटा डायरेक्शन के लिए, हाँ बिल्कुल डायरेक्शन के लिए भी करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बेटा, साथ में करंट थोड़ी फ्लो करेगा यहाँ, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विश्व, बिल्कुल सही बेटा, डायरेक्शन के लिए भी करते हैं हम, स्ट्रेंथ के लिए भी नहीं करते हैं। स्ट्रेंथ का भी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलती, बट आइडिया लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? आइडिया लगना शुरू हो जाता है, तो स्ट्रेंथ के लिए भी आएगा इसका रोल, और डायरेक्शन के लिए इसका रोल आएगा, ठीक है? चलो अब मैं तीसरे केस में कराना चाह रहा था, फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपने मेरे साथ ड्रॉ करनी इस बार। अब मैं दो चार्ज ले रहा हूं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं और एक मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ले रहा हूं, वहां से कैलकुलेट करना है मेरे को। तो सुन, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं बेटा यहाँ, प्लस क्यू, एक ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज ले लिया हमने, और मेरे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। अब मैं वो टेस्ट चार्ज वाला कंसेप्ट छोड़ देता हूँ, शुरू में तो ऐसे सिखाया कि दीज आर द पाथ्स फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज फ्री टू डू सो। अब जो हमने सीख लिया वहां से चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से दूर जाती हैं, बिल्कुल सही, पॉजिटिव से दूर जाती हैं, और टूवर्ड्स नेगेटिव जाते हैं। तो ये होगी, देखो एरो लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। पहले मैं स्ट्रेट बना रहा था बेटा, अब कर्व्ड आई, देखा देखा ना आपने, कर्व्ड आई, सीधी स्ट्रेट भी आएगी, देखो ऐसे भी आएगी, इधर से लूंगा
ऐसे भी आएंगे, और ऊपर से जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, देखो ऐसे, इधर को, इधर को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बीच रास्ते में डिस्कंटिन्यू नहीं होती वैसे, इसका मतलब ये समझ सोचना कि खत्म हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जहां मैंने रिप्रेजेंट करनी थी वो स्पेस इतना ही था, मतलब मेरे को इतने एरिया में रिप्रेजेंट करनी है, दैट्स व्हाई वो इस एरिया के बाहर चले गए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां से बाहर गई वो घूम के आएंगी वापस, तो एरो अंदर बन जाएगा। देखो ये अगर आप हर एरो पर ध्यान दो तो यहाँ एरो बेटा अंदर को लग रहे हैं, देखो यहाँ अंदर का मतलब है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लग रहे हैं, देखो यहाँ, और यहाँ वाले जो एरो हैं दीज आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव से दूर की तरफ को है, ठीक है। अब मैंने एक और बात सिखानी है यहाँ पे, एक बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व पाथ भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कोई मेरे से पूछे, अगर कोई मेरे से पूछे कि ये जो इस चार्ज के अराउंड का एरिया है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहां जैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मेरे से पूछा, तो देखो कैसे पता लगता है बेटा, ये जो मैंने ये सर्कल बनाया रेड वाला, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना, इनके बीच में बेटा गैप कम है, इनके बीच में गैप कम है, ठीक है। और अगर आप यहां देखोगे यहां, तो आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ, एक तो नंबर ही कम हो गया उनका, साथ में गैप भी देखो इंक्रीज हो गया। तो कंसेप्ट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कंसेप्ट है कि लेसर इज द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मोर इज द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वीक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वीक या स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लाइंस के गैप को देख के निकाली जा सकती है। मैं पिछले एग्जांपल को एक बार दोबारा साइड करता हूं, देखो पॉजिटिव की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी ना, ऐसे ऐसे थी, ऐसे बाहर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव थी बेटा। यहां जैसे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, सर्कल बनाओ, मैं या बेटा मैं थोड़ा पीछे बनाता हूं, देखो यहां ये नंबर वन का सर्कल है, ये नंबर टू का सर्कल है, बताओ कहां पे सर्कल वन में या सर्कल टू में कहां लाइंस के बीच का गैप कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ वन में कि टू में बेटा। अमन विश्रोत बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल फास्ट सिग्नल आपके तक पहुंच रहा है, वन में है बिल्कुल, ये देखो ये गैप कम है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेसर इज द गैप बिटवीन, देखो यही क्वेश्चन नीट में बनते ज्यादातर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, लेसर इज द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये मैंने बताई बनाई थी ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। इसमें से एक थोड़ी फील लेते हैं बेटा, सुना मेरी बात, जस्ट इमेजिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ना, इनके गैप को अगर हम इंक्रीज करने की कोशिश करें, इफ वी विल ट्राई टू इंक्रीज द गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बन रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी या एक्सपेंड होंगी, आपको क्या फील हो रहा है बेटा, आप मुझे बताओ आपको क्या फील हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी। बिल्कुल सही फील आ रहा है आपको बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इससे पता क्या इंडिकेशन निकाले माइकल फैराडे ने, बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, आपने अगर वो नोट्स बना लिए होंगे, आज आप बनाएंगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, इट मींस इफ यू वांट टू इंक्रीज द गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइंस विल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इंडिकेट्स दैट अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इफ यू वांट टू इंक्रीज द गैप दे वांट टू कम क्लोजर टू इच अदर, मतलब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो हमने चार्ज के बीच में गैप इंक्रीज किया तो ये लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये हमारे प्रॉपर्टीज में आता है। चलो एक और बना के देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज अपने आप ही सारी क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, अच्छा फोर्थ रो पहले, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस,
ये जो बेटा हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, ये फिर कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और कंपटीशन में और बोर्ड में बड़ा डिफरेंस नहीं होता, वो हम क्रिएट कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो बेटा ऐसा करते हैं, इस बार यहां भी पॉजिटिव ले लेते हैं, यहां भी पॉजिटिव ले लेते हैं बेटा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगा ड्रॉ करने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी इस बार वो देखना आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस बार बनेगी, मैं उस पिछले वाले कंसेप्ट से सिखा रहा हूं कि भाई एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो, या टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो, ये वाला चार्ज, अभी ड्रॉ नहीं करना, समझाने के लिए कर रहा हूं, ये चार्ज इसको इधर को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, ये भी वैसे गुस्से में ही है, ये भी इधर को धक्का मारेगा, तो ये जो बेचारा चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसको बेटा दो दो फोर्स लग गए। देखो ये थोड़ा कमजोर होगा ये वाला फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो इस चार्ज को इधर को भागना पड़ेगा इधर को, और जाओ करके देखते हैं। एक बार देखो यहां ले लेता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, आपकी याद भी कर सकते हैं फिर आओ, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनो, ये पॉजिटिव ये टेस्ट चार्ज है, देखो ये इसको बेटा रिपेल करेगा, देखो इधर को, हाँ जी बिल्कुल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये दूर को भागेगा, इधर को भागेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को फील कर पाए होंगे तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ से बनने वाले हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे बेटा, ऐसे क्यों, उस टेस्ट चार्ज को ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, ऐसे 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 ऐसे, और सारे एरो लगेंगे ऐसे दूर की तरफ, ऐसे दूसरे चार्ज के बनाता हूं, देखो ऐसे, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको टेस्ट चार्ज वाले मेथड से एक बार सोच के देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बार बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, थोड़ी सी और इंटरेस्ट बनाने की बात करूं तो यहां जैसे तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो भी आएगी यहां पर, फिलहाल हमारे को उस बात पे जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम ड्रॉ कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे थे ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस की वजह से बेटा। और यहां पे एक और प्रॉपर्टी है, मैं उसको लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर बेटा इन चार्जेस के बीच के आप गैप को कम करने की कोशिश करो, इफ यू वांट टू डिक्रीज द गैप बिटवीन द चार्जेस, तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पीछे की तरफ को हटेंगी, इधर को और इधर को हटेंगी, उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिछला तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, और इसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप गैप को कम करने की कोशिश करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जब वो उसको रिपेल करेगा इन दैट सिचुएशन हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो ये जो इनकी जो इंट्रैक्शन है वो और पीछे की तरफ को हट जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस बेटा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग सिचुएशन में ड्रॉ करके बता दी। होमवर्क ये है कि आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नोट्स में 10, वो जो 10 आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो सारी की सारी आप लोगों ने पढ़ के लानी है, वो सारी की सारी पढ़ के लानी है। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे तो मैं 2 मिनट के लिए उनको देख लेता हूं। तो ठीक है सर, कैसे रिपीट कर देना, कौन से बेटा, सर किसी रिपीट कर मैं बेटा, एक तो अच्छा ठीक है अमन बेटा, ठीक है लास्ट जैसे पॉइंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी लास्ट जैसे हमारा डिस्कशन हुआ। ठीक है, और असाइनमेंट बेटा मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको मैं एक और असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, अब आपको पता लग जाएगा ग्रुप में, पता वो असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज विश्व बेटा आज भेज दूंगा असाइनमेंट में, आज भेज दूंगा असाइनमेंट। ठीक है, और बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं, हंसिका अमन, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।